5G फोन खरीदने से पहले अगर आप किसी 4G फोन से 5G बेटा टेस्टिंग कर पाते तो कैसा रहता? बहुत अमेजिंग चीज़ राइट। तो आज मैं आपको एक टॉप सीक्रेट 5G बेटा टेस्टिंग APN सेटिंग दिखाऊंगा जो कि आप किसी भी 4G सिम पर अप्लाई कर सकते हो, 4G फोन पर अप्लाई कर सकते हो। और इस APN को अप्लाई करने से आपको 5G लाइक इंटरनेट स्पीड आपके 4G फोन से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट उससे पहले अभी से इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, और अगर आपने अभी तक टेक्नो माइंड उज्ज्वल चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेकआउट करके देखते हैं जो डिफॉल्ट APN आपके मेरे फोन पर लगा है वो कितना स्पीड दे पाता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ न्यू APN को क्रिएट कैसे करना है। इसके लिए आप सेटिंग ऑप्शन पर जाओ, उसके बाद सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, देन आपके पास जो भी सिम है उस सिम को आप ओपन करो। ओपन करते ही आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स ऑप्शन पर जाना है, देन इस प्लस आइकॉन पर टैप करके आपको ये वाला फॉर्म ओपन करना पड़ेगा। और यहाँ पर ही आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डालना होगा, जो जो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा तभी आपके फ़ोन पर न्यू APN क्रिएट हो पाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ आता है वो है नेम। आप नेम पर टैप करो और यहाँ पर आपको ऐड करना है 5G स्पेस बेटा स्पेस गेमिंग स्पेस बॉट। उसके बाद आता है APN। APN पर आपको 5G IND मतलब कि इंडिया सब कुछ एक साथ इसमें डाल देना है स्मॉल लेटर में। और अगर आप किसी अदर्स कंट्री से हो तो उस कंट्री का भी आप नेम यहाँ पर ऐड कर सकते हो 5G के साथ। उसके बाद प्रॉक्सी नॉट सेट, उसके बाद पोर्ट नॉट सेट, देन आपको मिल जाएगा यूज़र नेम। यूजर नेम पर आपको गेम बॉट 5G बेटा सब कुछ एक साथ और स्मॉल लेटर में लिख देना है। उसके बाद आता है पासवर्ड नॉट सेट, उसके बाद सर्वर। इस APN के साथ सर्वर अभी डिसाइडेड नहीं है, आपको सर्वर भी नॉट सेट रखना है। उसके बाद MSC नॉट सेट, MS प्रॉक्सी नॉट सेट, MS पोर्ट नॉट सेट, देन आपको मिलेगा MCC एंड MNC। ये आपका एरिया कोड है, इसे आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन टाइप, इस पर आपको टैप करके 4 नंबर वाला सेट कर देना है। उसके बाद APN टाइप डिफॉल्ट नॉट सेट या फिर जो भी लिखा हुआ है वही रहने दो। देन आपको मिलेगा APN प्रोटोकॉल, इस पर आपको टैप करके IPv4/6 पे सेट कर देना है। उसके बाद APN रोमिंग प्रोटोकॉल, इसे भी आपको IPv4/6 पे सेट करना है। उसके बाद मिल जाएगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग BRR। BRR देखो सबसे पहले अनस्पेसिफाइड रहेगा, इसको आपको अनटिक करना है। एंड इस APN के साथ आपको हर एक BRR पे टिक करके ओके दबा देना होगा। बट अगर आपके फ़ोन पर एक से ज़्यादा BRR सपोर्टेड नहीं है, एक से ज़्यादा BRR सेलेक्ट करने पर आपका ओके का ऑप्शन डिसेबल हो जा रहा है, तो उस केस में आप सिर्फ एक ही BRR सेलेक्ट करो, वो है LTE वाला ओके। इसके बाद MVNO टाइप ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको नॉट सेट रखना है। देन आपको मोर ऑप्शन पर जाकर इस APN को सेव कर देना है, और सेव करते ही आपको दो दो APN देखने को मिलेगा। एक तो हो गया 5G बेटा गेमिंग एंड सेकेंड में इंटरनेट वाला जो कि डिफॉल्ट पहले से ही मेरे फ़ोन पर लगा था। आपको सिंपली इस 5G पे एक बार टैप कर देना है तो आपके फ़ोन पर ए वाला APN सेट हो चुका है। और इसके बाद आप हो सके तो अपने फ़ोन को एक बार रीबूट भी कर लीजिएगा, इससे आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट इसका देखने को मिलेगा। एंड भाई मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ए वाला APN आपके फ़ोन के साथ अटैच होने में 1 से 2 दिन का टाइम लग सकता है। अब मैं आपको स्पीड टेस्ट करा के भी दिखाता हूँ इस APN से जो कि मैंने बहुत पहले से सेट करके रखा था, इससे मुझे कितना स्पीड मिल पाता है। एंड फ्रेंड्स इस APN को सेट करने के बाद अगर आपको अच्छा खासा स्पीड नहीं मिल पा रहा है तो भाई आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो, वहाँ पर आपको फिक्स APN वाला वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप बड़े आसानी से किसी भी APN को अपने फ़ोन के लिए फ्लेक्सिबल बना सकते हो, उस APN से अच्छा खासा स्पीड अपने फ़ोन में ले सकते हो। एंड फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पर जाके फॉलो नहीं करा है तो अभी फॉलो कर लो @TechnoMindUjjwal, और इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके बता देना इस APN को यूज करने के बाद आपको मैक्सिमम कितना अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड मिला है। एंड डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक्नो माइंड उज्ज्वल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।